गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास थर्ड चैप्टर आता है 6, कोयल। आपके चैप्टर का नाम है कोयल। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है। जब आम का सीज़न आता है तभी कोयल डाली पे आके मीठी बोली सुनाती है। जैसे ही काली कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबका प्रिय लगती है, सबका मन मोह लेती है, हमें भी कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए, सबके मन को मोहना चाहिए। कहते मीठी बोली बोलिए, मन ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब कि अब हमें भी ऐसी वाणी दूसरे से ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि अपने मन को तो अच्छा लगता ही है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। ऐसे कोयल होती है, कोयल भी अपन बोलती है तो उसको सुनकर सभी लोग मन मुग्ध हो जाते हैं उसकी आवाज़ को सुनकर। ठीक है, कोयल क्या कहती है, देखो कोयल काली है पर मीठी है। इसकी बोली जो कोयल होती है वो बहुत काली होती है लेकिन उसकी आवाज़ कैसी होती है, मीठी होती है। इसका एक मतलब ये भी आता है कि कोई देखने में कितना भी ख़राब हो लेकिन अगर उसके गुण अच्छे होते हैं तो वो सबका मन मोह लेता है। इसने ही तो खूब खूब कर आमों में मिश्री घोली। आम कितने मुँह मीठे होते हैं। तो कहते हैं, कवि कहता है कि अपनी आवाज़ से इसने आमों में मिश्री घोल दी है। आम भी इसी आवाज़ के कारण मीठे होते हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ, कवि कहता है कोयल यह बताओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल ये बताओ कि आप क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज आप इस डाली पर अपनी आवाज़ से सबको मोहने आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, क्या गाना गा रही हो और किसको बुला रही हो, बतलाओ दो, बतला दो कोयल रानी। हे कोयल रानी, मुझे ये बताओ कि क्या गाना गाती हो और किसको बुलाती हो। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। प्यासी धरती जो बहुत दिनों से पानी नहीं बरसा है तो सभी पेड़ पौधे जो हैं वो कैसे हैं, सूखे हैं, सबको प्यास लगी है। तो क्या आप मेघों से पानी मांग रही हो, अपनी आवाज़ से किसको बुला रही हो, क्या पानी मांग रही हो। कोयल ये मिठास क्या तुमने अपने माँ से पाई है। कहते कोयल रानी ये बताओ, ये जो मीठी बोली आप बोलती हो क्या आपको आपकी माँ ने ऐसे बोलना सिखाया है। माँ ने ही क्या तुमको ये मीठी बोली सिखलाई, क्या माँ ने आपको इस तरीके से बोलना सिखाया है। कोयल हमें संदेश देती है कि हमें सभी लोगों से अच्छी बोली में बोलना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। हमें भी अब कोयल की तरह प्रिय वाणी बोलनी चाहिए और बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो हमेशा कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है। ठीक है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है और वहीं पे वो रहती है लेकिन अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। ठीक है, अब हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है ये भी समझ लेते हैं। सबसे मीठा बोलने की प्रेरणा कोयल। इस चैप्टर जो हमारा कोयल है ये हमें सबसे मीठा बोलने की प्रेरणा देता है। पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाता है और अपनी माँ की बात मानना भी सिखाता है। ठीक है, ओके बच्चों, सभी बच्चे ये कोयल कविता को लर्न करेंगे और वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे। ओके।